जिसको हम लोग कहते हैं, है ना। पहला सवाल है वर्ल्ड वेटलैंड डे को लेकर, 2 फरवरी को वेटलैंड मनाया जाता है, आप सभी को मालूम है, तो हमने पढ़ा भी था इसके बारे में। रामसर कन्वेंशन के तहत इसको ऐड किया जाता है और इंडिया में 50 वेटलैंड साइट्स है। मैंने आपको बताया था कि मोदी जी का स्टेटमेंट आया था 75 वेटलैंड का, तो पहला सही है, दूसरा गलत है, ये आपका सही आंसर होना चाहिए। दूसरा है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब को लेकर, कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत है। तो इसमें एक चेयरपर्सन होता है, वीपी होता है, 3 मेंबर होते हैं, बिल्कुल सही है, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट होता है ना। इसमें 3 साल का टेन्योर होता है, ये भी सही है। कितनी बार भी ये रीअपॉइंटमेंट कर सकते हैं, ये गलत है, एक ही बार रीअपॉइंटमेंट हो सकता है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, जो चेयरपर्सन को रैंक मिलती है वो कैबिनेट मिनिस्टर की मिलती है, ये भी सही है। तो थर्ड आपका यहां पे गलत हो गया। एनाटोलियन टेक्टोनिक प्लेट पे कौन सा कंट्री है जो कि लाया करता है, कल मैंने पढ़ाया था इसके बारे में आपको। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है, टर्की। मिशन सहभागिता किस चीज को लेकर है, हमारे वेटलैंड्स को मैनेज करने को लेकर है, तो डी आपका सही आंसर होगा। ऑलराइट, ठीक है, तो ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू एवरीवन, गुड बाय।